हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5F की प्रॉब्लम नंबर 2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम पे जंप करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। मैंने बेसिक्स पर 6 मिनट्स 35 सेकेंड्स की एक क्लिप बनाई है जो कि मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अगर आप लोगों को बेसिक्स पता है तो आप क्लिप 6 मिनट्स 35 सेकेंड्स के आगे से वीडियो को देखिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं आता तो आप पूरी वीडियो देखिए। चॉइस इज योर्स। ओके, फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। क्या है फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, यानी एक पूरी चीज़ का अगर हम उसके हिस्से करें, उसके टुकड़े कर दें तो वही फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो दो पार्ट किसके टुकड़े थे? एक पूरे होल एप्पल के टुकड़े थे, है ना। लेकिन उसका आपने क्या किया? फ्रैक्शन किया, उसको दो बराबर भागों में बांट दिया। अब इसी तरीके से अगर आप एक एप्पल को चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो एक पूरा होल एप्पल, होल पूरा मतलब होल, एक पूरा एप्पल था उसको आपने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वही फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी पूरी चीज़ के अगर आप पार्ट्स कर देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन होता है। तो ये फ्रैक्शन में लिखे हुए नंबर्स हैं, इनको रीड कैसे करते हैं? इसे 1/2 भी बोलते हैं और 1/2 भी बोलते हैं, और इसे इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। 1/2 बोल लो या अ हाफ बोल लो या हाफ बोल लो, ये आधा ही तो है, हिंदी में से आधा बोलते हैं। इसे 1/4 बोल लो, 1/4 बोल लो या 1/4 बोलते हैं इसे, 1/4, और या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम, 1/4। क्या बोलेंगे? 1/4। इसे 2/3 बोल लो, 2/3 बोल लो या 2/3 बोल लो। बात एक है, ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो ना तो यहाँ प्लूरल फॉर्म लगेगी, थर्ड नहीं थर्ड्स होगा। जैसे अगर यहाँ पर 3 होता तो क्या होता, ये 3/4 हो जाता। अभी यहाँ फोर्थ्स नहीं लिखा है मैंने क्योंकि ऊपर 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे 3/5 पढ़ सकते हैं या 3/5 या 3/5 पढ़ लो। इस तरीके से यहाँ पे 5/8 या 5/8 या 5/8 पढ़ रीड कर सकते हैं, कुछ भी रीड कर लीजिए। 5/4 रीड कर लो, 5/4 रीड कर लो या 5/4। अब यहाँ 4 है तो क्वार्टर्स, 4 जब भी होता है क्वार्टर्स बोलते हैं। क्वार्टर अगर 1 होता तो क्वार्टर बोलता मैं, क्वार्टर, अभी ये क्वार्टर्स हो गया ऊपर 5 होने की वजह से। अब इसी तरीके से यहाँ 4, अब यहाँ जैसे स्पेस मिलेगा तो एंड लगाएंगे, 4 and 3/4 या 4 and 3/4 ऐसे बोल लो, 7 and a half, 7 and a half, और ये 8 and 1/4, 8 and 1/4 या 8 and 1/4 ऐसे बोल लो। तो इस तरीके से इसको ये पढ़ने का तरीका होता है। अब आगे फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जब न्यूमरेटर डिनोमेटर से छोटा हो। पहले न्यूमरेटर देख लेते हैं। ये लाइन है, लाइन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, लाइन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और लाइन के नीचे जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये लाइन है, लाइन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, लाइन के नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, या ऐसे बोल लो अपॉन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर या अपॉन के नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। इसी तरीके से जब न्यूमरेटर डिनोमेटर से छोटा हो, जब न्यूमरेटर डिनोमेटर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब न्यूमरेटर डिनोमेटर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब न्यूमरेटर डिनोमेटर से बड़ा हो, जब न्यूमरेटर डिनोमेटर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसी तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, जब एक होल नंबर और एक जब एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलते हैं, जब एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। अब हम ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 factors, या हम बोल लें और 2 पॉजिटिव डिवीजर्स, या हम क्या बोल सकते हैं, ओनली 2 पॉजिटिव डिवीजर्स, 1 and the number itself। क्या हुआ इसका मतलब? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? खुद से और 1 से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। और यहाँ पर सिर्फ 2 factors होंगे, ओनली लिख दिया ना, ओनली 2 factors या ओनली 2 divisors। फैक्टर और डिविजर उसको बोलते हैं, मतलब अगर आप किसी से उसको, किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 छोड़ जाएगा। इसी तरीके से अगर 5 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वो उस केस में रिमाइंडर 0 छोड़ जाएगा। तो
इसको बोलते हैं, ठीक है, वो हुए उसके फैक्टर्स, जब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर जीरो छोड़ रहा है। तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? डोंट हैव 2 डिवीजर्स या डोंट हैव 2 फैक्टर्स। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा ओनली 2 फैक्टर्स या ओनली 2 डिवीजर्स, पॉजिटिव डिवीजर्स होने चाहिए। तो अगर 1 को आप लो भी तो 1, चलो 1 खुद से डिवाइड हो गया, लेकिन दूसरा पॉजिटिव डिवीजर कहाँ है आपके पास, दूसरा फैक्टर कहाँ है। इसी तरीके से 4 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? 4 खुद से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये डेफिनेशन में है। 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डेफिनेशन में है कि 1 से और खुद से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ 2 डिवीजर कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये तो अब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ओनली 2 पॉजिटिव डिवीजर्स या 2 फैक्टर्स होने चाहिए। और उस केस में क्या होना चाहिए, और डेफिनेशन कहती है वो खुद से डिवाइड हो और 1 से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। तो ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये प्राइम नहीं है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को ढूंढ सकते हो अपने आप कि कौन प्राइम है कौन नहीं है। फिर भी मैंने लिख दिए हैं, इनका कोई एंड नहीं है, ये चलते रहेंगे। इसी तरीके से होल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। इससे पहले हम ये देख लेते हैं नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, जिसका कोई एंड ही नहीं है। फिर तो शुरू करते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रैक्शन में मिले और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, जब भी कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके से फ्रैक्शन में मिले और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिनोमीटर में जो नंबर होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमीटर में जो नंबर है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या है 12, 12। जब भी हम एलसीएम लेंगे प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। एलसीएम लेने के इस मेथड को डिवीज़न मेथड बोला जाता है। तो करते हैं 2, 6 जा 12, 2, 6 जा 12, 2, 3 जा 6, 2, 3 जा 6, 3, 1 जा 3, 3, 1 जा 3। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक करेंगे। मैंने कॉमा से सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि इस माइनस से 12 सेपरेट है और इस माइनस से 12 सेपरेट है। तो अब ये जो डिवीज़र्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12। तो ओवरऑल हमारा एलसीएम क्या आया? 12। तो डिनोमीटर का एलसीएम लिया था, तो एलसीएम को भी डिनोमीटर में लिखेंगे। अब 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है ये देखना है। 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स। उस 1 की मल्टीप्लाई 7 से करा देंगे। मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं रखता, आप 7 मल्टीप्लाई 1 लिखें या 1 मल्टीप्लाई 7 लिखें, आंसर सेम आएगा। बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पर भी 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स। उस 1 की मल्टीप्लाई 5 से करा देंगे। अगेन मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं रखता, आप 5 मल्टीप्लाई 1 लिखें या 1 मल्टीप्लाई 5 लिखें, बात एक ही है। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट टू राइट जाते समय माइनस से पहले क्या मिल रहा है आपको? माइनस से पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे क्योंकि एडिशन तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो 1, 7 जा 7, बीच में माइनस का साइन है, 1, 5 जा 5 अपॉन 12। तो कितना हो गया? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 अपॉन 12। अब इन दोनों को किसी एक टेबल से कैंसिल करना है। ध्यान रखना है कभी दोनों को अलग अलग टेबल से कैंसिल करो। इसको भी अगर कैंसिल करोगे तो सेम टेबल से करोगे, इसको भी सेम टेबल से। तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। दोनों को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2, 1 जा 2, 2, 6 जा 12। जितने बार कैंसिल करेंगे, जहाँ कैंसिल करेंगे वहाँ लिखेंगे। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया? 1 अपॉन 6। तो यही हमारा आंसर है। ओके।